15 अप्रैल 2019 नोट्रो डेम डी पेरी कैथेड्रल लपटों में घिर गया। पेरिस से आई है एक ब्रेकिंग न्यूज, सुना है कि वहां आग लग गई है। तो आइए अब हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं नोट्रो डेम की। इस शहर की फायर ब्रिगेड के लिए ये किसी युद्ध के ऐलान जैसा था। ये काम मुश्किल होने वाला है, इसका नतीजा कोई नहीं जानता। इन लोगों का मिशन है दुनिया की विरासत के इस अनोखे हिस्से को बचाना। पूरी दुनिया देख रही थी और ये लोग 7 घंटे तक आग से जूझते रहे। आग बहुत जल्दी बढ़ सकती है और अगर हम इसे काबू ना करें तो समझो खेल खत्म। इस डॉक्यूमेंट्री में आप इस बहादुरी से भरी लड़ाई के एक एक पल को देखने के अलावा इस शहर के हिम्मती फायर फाइटर्स की मेहनत के भी गवाह बनेंगे। आग हमारी दुश्मन है, ये बहुत तेजी से फैलती है। हमें लगता है कि ये एक बड़ा काम है, लंबा भी है और पेचीदा भी है। इस हादसे की सैकड़ों घंटे की फुटेज शूट की गई थी और अब आप उस बदतरीन रात के इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखेंगे। वक्त रात के 9:36। कैथेड्रल में आग लगे 3 घंटे हो चुके हैं। 600 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया जा चुका है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। आग खतरनाक ढंग से नॉर्थ टावर के बेलफ्री की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर बेलफ्री में आग लग गई तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे और इस जगह पर राख के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इस काम की जिम्मेदारी जनरल गॉन्टिए पर है। सेकेंड इन कमांड है जनरल गैले जो ब्रिगेड के कमांडर है। अगले कुछ मिनट में इस कैथेड्रल का वजूद ही दांव पर लगने वाला है क्योंकि नॉर्थ बेलफ्री के अंदर 8 विशाल घंटियां हैं। अगर वो गिरी तो तबाही मच जाएगी। अगर बेलफ्री गिरा तो दोनों टावर ढहेंगे और नोट्रो डेम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कैसे? इस हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसकी शुरुआत हुई शाम 6:30 बजे। धुएं का एक घना बादल पेरिस के आसमान में फैल गया और ये धुआं आ रहा था नोट्रो डेम की तरफ से। ये कैथेड्रल पेरिस के सबसे पुराने इलाकों में से एक है जिसका नाम है इल डे ला सिटे और इसकी मरम्मत 1 साल से चल रही है। ये तस्वीर इसके आखिरी मास की है। यहां मौजूद लोगों को बढ़ते खतरे का अंदाजा भी नहीं है जो इनसे करीब 40 मीटर ही ऊपर है। एटिक में एक अलार्म बजने लगता है लेकिन ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसकी सही लोकेशन नहीं ढूंढ पाता। वो 30 बेशकीमती मिनट बर्बाद कर देता है। इस बीच मध्य युग में ओक के 1300 पेड़ों की लकड़ी से बना कैथेड्रल का फ्रेम जलने लगता है और जब तक सिक्योरिटी गार्ड को आग का पता चलता है वो बेकाबू हो चुकी होती है। मास को बीच में रोक दिया जाता है। श्रद्धालुओं को अगले गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। पेरिस में आसपास से गुजरने वालों को चिंता होने लगती है। शाम 6:51 पर वहां मौजूद लोग मदद के लिए कॉल करते हैं। ये लोग इमरजेंसी फायर सर्विसेज का नंबर डायल करते हैं। फायर फाइटर्स, हेलो। सुनिए, नोट्रो डेम में आग लग गई है, यहाँ से ढेर सारा धुआं उठ रहा है। कैथेड्रल स्टाफ भी फायर ब्रिगेड को बुला लेता है। ओके, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। नोट्रो डेम के नजदीकी फायर स्टेशन को फौरन खबर भेजी जाती है जो पेरिस के 5th arrondissement में है। ऐसे वक्त में बहुत ही तेजी से सोचना होता है। चीफ वारंट ऑफिसर जेरोम को सबसे पहले कॉल मिलती है। शाम के 7 भी नहीं बजे थे, सोच भी नहीं सकते थे कि नोट्रो डेम में आग लग सकती है।
जेरोम 5 मिनट से भी कम समय में कैथेड्रल स्क्वायर पहुंच जाते हैं। वो वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, लेकिन हालात पहले ही गंभीर हो चुके हैं। एटिक से निकल रही लपटें पहले ही कैथेड्रल की लेड वाली छत तक पहुंच चुकी हैं। जेरोम इस स्क्वायर में अकेले थे और वो हादसे का अंदाजा लगाने लगते हैं। वो आग बुझाने के लिए तमाम फायर फाइटर्स को अपनी सारी मशीन्स के साथ वहां पहुंचने के लिए कहते हैं। काम बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से वहां पहुंचने को कहा। ये एक फायर चीफ की बैकअप के लिए सबसे बड़ी कॉल थी। पेरिस में 60 रेस्क्यू सेंटर्स हैं, जिनमें कुल 600 फायर फाइटर्स काम करते हैं। सभी दौड़ पड़े। ये संख्या अपने आप में अनोखी थी। वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। नोट्रडेम के आसपास अफरा तफरी और डर का माहौल है। हमें आग के शिकार लोगों और आग की जगह का अंदाजा नहीं था। शहर में भीड़ भाड़ का वक्त है, ऐसे में फायर फाइटर्स को ईल डे ला सिटे तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इन लोगों को आग की शुरुआत होने के काफी समय बाद कॉल मिली थी, इस वजह से कीमती समय और ज्यादा बर्बाद हो रहा है। अगर हम इसकी तुलना किसी रेस से करें तो समझिए कि मेरा प्रतिद्वंदी पहले ही मुझसे 100 मीटर आगे निकल चुका है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं जनरल गॉन्टियर। शुरू से ही ये लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। हमें डर था कि कहीं हम इस इमारत को न गवा दें। गॉन्टियर और उनकी टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ये लोग उन लपटों तक कैसे पहुंचेंगे जो इनसे 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर हैं? कैथेड्रल की ऐतिहासिक छत और इसके फ्रेम को कैसे बचाया जाए? इन तमाम सवालों के बावजूद एक बात तो साफ है, इस आग को बुझाकर हम इसे हरा देंगे। पर सवाल ये है कि हम शुरुआत कैसे करें और इसे रोकें कैसे। इस कैथेड्रल से कुछ ही मीटर की दूरी पर दुनिया भर के टीवी और रेडियो स्टेशन इस तबाही को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ये है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी। एनालीज बॉर्गेस यूरो न्यूज की एक रिपोर्टर हैं और हादसे वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले जर्नलिस्ट्स में से एक हैं। आखिर हम देख क्या रहे थे? क्या ये एक आतंकवादी हमला था या क्या हम एक हादसा देख रहे थे और इसका नतीजा क्या निकलने वाला था? हम सब इतिहास के इस बड़े हिस्से को बस लपटों की भेंट चढ़ते देख रहे थे। इतना बुरा था। शाम के 7:01, ये जरूरी था कि आग के फैलाव को धीमा करने के लिए टीम लपटों के करीब पहुंच पाती। पता था ये काम बहुत मुश्किल, थकाने वाला और पेचीदा होगा। टीम्स तैयार हो जाती हैं, लेकिन कैथेड्रल की लेड से बनी छत पिघलनी शुरू हो चुकी है। आग के बीच वाले हिस्से में तापमान करीब 1000 डिग्री हो चुका है। इसकी छत का ऊपरी हिस्सा पिघल रहा है। फायर फाइटर्स कैथेड्रल के उत्तरी हिस्से वाले ट्रांसेप्ट पर पहुंचते हैं। पहले 5 फायर फाइटर्स छत के लेवल तक चढ़ जाते हैं। इनमें से हर एक की पीठ पर 30 किलो सामान लदा है। इनके फायर सूट इन्हें 150 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी से भी बचा सकते हैं। ये लपटों से 8 मीटर से भी कम की दूरी पर 2 फायर होज लगा देते हैं। मैं ऊपर चढ़कर अपने साथियों से मिला, वहां अफरा तफरी फैली हुई थी। इस मंजर को सामने देखकर इन्हें समझ आया कि मामला कितना गंभीर है। वहां लगी आग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी।
चीफ कॉर्पोरल मिरियम आग का सामना करने वाली पहली टीम में है। मेरा मकसद था फुर्ती से लपटों को रोकना, वो इसलिए ताकि आग और ज्यादा ना फैल जाए, तो लपटों को रोकना जरूरी था। मिरियम कमाल की हिम्मत दिखाती हैं, लेकिन दुश्मन चालाक है। इतनी तेज गर्मी की वजह से छत के कुछ हिस्से जलने के करीब हैं। हालांकि दिखने में वो अब भी ठीक ठाक लग रहे हैं। हिम्मत हारने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, तो हम लगातार उस आग से जूझते रहे। हिम्मत हारने का ख्याल आया ही नहीं। समय शाम के 7:58। कैथेड्रल के ट्रांसेप्ट के उत्तरी हिस्से में टीम की पूरी कोशिशों के बावजूद आग फैलती ही जा रही है। धुएं के बादल का रंग अब पीला हो गया है, यानी ये आग बहुत खतरनाक हो गई है। ऐसे में फायर फाइटर्स के लिए खतरा और बढ़ जाता है। लपटों की ऊंचाई कई मीटर हो चुकी थी, जिससे खतरा और बढ़ गया था। हमें धुएं, धूल और जलते मलबे के तूफान का सामना करना पड़ रहा था, और हमें किसी भी तरह इस आग को बुझाना था और स्थिति को पहले जैसा सामान्य करना था। अगर फायर फाइटर्स आग को काबू नहीं कर पाते तो पूरा कैथेड्रल ही खत्म हो जाएगा, और इसके साथ इसकी बेशकीमती चीजें भी। इसका स्टेन्ड ग्लास वर्क, इसके 13वीं सदी के रोसेट्स, कथित तौर पर जीसस द्वारा पहना गया कांटों का ताज, ये सब गजब की चीजें मुश्किल में हैं, क्योंकि जलते हुए फ्रेम के टुकड़े अब नोट्र डैम के अंदर वाले हिस्से में बरसने लगे हैं। छत का पूरा पूर्वी हिस्सा लपटों में घिर चुका है। छत पर आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच फायर फाइटर्स की एक दूसरी टीम कैथेड्रल में मौजूद इसके मास्टरपीसेस को बचाने के मिशन पर लग चुकी है। ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ अंगारे और पिघला हुआ लेड ऊपर से गिर रहा है। लेकिन अगर ये लोग इस इमारत की बेशकीमती कलाकृतियों को बचाना चाहते हैं, तो इन्हें अंदर जाना ही होगा। इनमें पेंटिंग्स, पवित्र गुलदस्ते और खासकर कांटों का ताज भी शामिल है। कहते हैं कि सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले जीसस क्राइस्ट ने इसे पहना था। सैक्रिस्टी इस इमारत के सुदूर छोर पर मौजूद है, और वहां तक पहुंचना वक्त से होड़ लगाने जैसा है। यहीं पर सबसे कीमती चीजें संभाल कर रखी गई हैं। यहां की एक ऐतिहासिक खिड़की सदियों पुरानी है। टीम को इन सभी मूल्यवान चीजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में घंटों लग जाते हैं। एक एक करके लाई गई इन निशानियों को सिटी हॉल में रखा जाएगा, जो नोट्र डैम से करीब 700 मीटर की दूरी पर है। इन्हीं में शामिल है कांटों के ताज वाला ये रेड बॉक्स, जिसे आग में जलने से बचा लिया गया। सेन नदी के किनारे खड़े इन लोगों को अब ये समझ आने लगा है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। कुछ घंटे पहले तक सही सलामत नजर आ रहा नोट्र डैम डी पेरी अब धुआं बनकर उड़ रहा है। मैं रात भर बस यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी हो रहा था उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, और आग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे रोक पाना मुश्किल है। वो इतनी भयंकर आग थी। ये ना तो कोई बुरा सपना है और ना ही कोई फिल्म। नोट्र डैम वाकई जल रहा है। यूरोप में लोग जिन स्मारकों को सबसे ज्यादा देखते हैं, ये कैथेड्रल उन्हीं में से एक है। विजिटर्स इसकी बनावट, इसके स्टेन्ड ग्लास और इसके ऑर्गन को देखने आते हैं। इसके निर्माण की शुरुआत 1163 में हुई थी, और इसे बनने में एक सदी से ज्यादा का समय लगा। जल्दी ही इसे गॉथिक आर्ट का एक मास्टरपीस माना जाने लगा। किंगडम ऑफ फ्रांस में नोट्र डैम आराधना की सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गया। 1594 में फ्रेंच वॉर्स ऑफ रिलीजन्स के दौरान किंग हेनरी IV ने पेरिस पर दोबारा अपनी जीत का जश्न यहीं मनाया था। दो सदी बाद ये कैथेड्रल फ्रेंच रेवोल्यूशन का गवाह बना। 1804 में यहीं पर नेपोलियन को एम्परर ऑफ द फ्रेंच घोषित किया गया था। तब नोट्र डैम एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया था।
इसने नाजी हमले को भी झेला और 26 अगस्त 1944 को यहीं पर जनरल डिगॉल ने लिबरेशन ऑफ पेरिस का जश्न भी मनाया था। लेकिन आज रात 856 साल का इतिहास धुआं बनकर उड़ रहा है। नोट्रे डैम के चारों तरफ पुलिस विभाग ने सिक्योरिटी बैरियर्स लगा दिए हैं। फायर फाइटर्स अब ये समझने लगे हैं कि पहले युद्ध में उनकी हार हो गई है, लेकिन जनरल गॉन्टियर उम्मीद छोड़ने वाले नहीं हैं। आग को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखकर वो संभावित रणनीतियां बनाने लगते हैं। आसमान से मिली तस्वीरों से उन्हें इस मोर्चे का मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है। फायर फाइटर्स ने कैथेड्रल स्क्वायर में अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। ब्रिगेड के कमांडर जनरल गैले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ऑपरेशन ठीक ठाक चले, जबकि जनरल गॉन्टियर आग बुझाने का एक प्लान तैयार करते हैं। उनके उच्चाधिकारी उन्हें पल पल की खबर देते रहते हैं और इन्हीं खबरों के आधार पर गॉन्टियर तमाम फैसले ले रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद ही मैं समझ गया था कि इस आग को बुझाने के लिए बहुत सारे लोग और सामान चाहिए होगा। जनरल के दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सभी दिशाओं में फैल चुकी आग को ये लोग कैसे काबू करेंगे? ये एक ऐसे दानव को कैसे रोकेंगे जिसकी भूख हर मिनट बढ़ती जा रही है? फिलहाल आप एलिवेटेड आर्म्स लगाओ, मैं दूसरी तरफ जाकर जनरल गॉन्टियर से मिलकर बैकअप मंगवाता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, फिर आप जल्दी से जनरल से मिलकर आइए और मैं यहाँ आपको तैयार मिलूंगा। फायर फाइटिंग प्लेन्स के जरिए पानी की बौछार करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे कैथेड्रल के स्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जनरल गॉन्टियर एक और रणनीति अपनाते हैं। इन्होंने कैथेड्रल के चारों तरफ 13 एरियल एलिवेटेड आर्म्स लगाने की सोची है। ये आग बुझाने के दमदार जरिए हैं। हर आर्म एक मिनट में करीब 4000 लीटर पानी फेंक सकती है, लेकिन नोट्रे डैम के आसपास मौजूद फायर हाइड्रेंट्स का नेटवर्क इतनी ज्यादा पानी की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? उन्हें इतना पानी कहां से मिलेगा? ऐसे में जनरल गॉन्टियर दो बोट पंप्स मंगवाते हैं। फायर फाइटर्स झटपट सेन नदी से पानी हासिल करने के लिए एक विशाल हाइड्रोलिक नेटवर्क तैयार कर देते हैं। इसके लिए वो कई किलोमीटर लंबे पाइप आपस में जोड़ते हैं। नोट्रे डैम में जितनी आग लगी है वो 500 अपार्टमेंट्स में एक साथ लगी आग जितनी ही भयानक है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस साइट के लिए जो भी प्लान बनाएंगे वो हकीकत के सामने शायद ना ठहर पाए। पूरा देश सदमे में है। इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों यहां आ पहुंचते हैं। दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे। इनके दिमाग में एक ही सवाल है। फ्रांस के इतिहास से जुड़े सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक में आग कैसे लग सकती है? इस हादसे की क्या वजह हो सकती है? और ये आग शुरू कहां से हुई? अंदाजा लगाया जाता है कि ये शुरुआत शायद इमारत के चारों तरफ मौजूद स्कैफोल्डिंग से हुई होगी। कई महीने से नोट्रे डैम का रेस्टोरेशन चल रहा था। इसकी भव्य प्राचीरों के चारों तरफ विशाल स्कैफोल्डिंग लगाए गए थे। कुछ दिन पहले ही नीचे मौजूद 12 अपोसल्स की प्रतिमाओं को हटाया गया था। तो कहीं इस आग के लिए निर्माण वाली जगह ही तो जिम्मेदार नहीं थी? कहीं इस आग की शुरुआत किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से तो नहीं हुई? कहीं किसी वर्कर से कोई लापरवाही तो नहीं हुई? जनरल गॉन्टियर की रणनीति को अमल में लिया जाता है, लेकिन जल्दी ही एक समस्या खड़ी हो जाती है। एलिवेटेड आर्म्स की लंबाई इतनी नहीं है कि वो लपटों तक पहुंच सके। छत तक पहुंचकर इस आग पर सीधा हमला करने के लिहाज से ये अब भी बहुत छोटी हैं।
लेकिन टीम को शायद अपनी सबसे बड़ी परेशानी का अंदाजा भी नहीं था। तेज हवा लपटों को बढ़ा रही है और उसके कारण पानी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं समझ गया था कि हम उस आग को बुझा तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे फैलने से रोक सकते थे। अब फायर फाइटर्स को ये बात स्वीकार करनी होगी कि आग अंदर भी और बाहर भी बेकाबू हो चुकी है। नोट्रे डेम की आग अब अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। ये है 96 मीटर, 500 टन लकड़ी और 25 टन लेड से बनी इसकी प्राचीर, जो अब सुलग रही है। जनरल गॉन्टियर और उनकी टीम को बदतरीन हालात की आशंका होने लगती है। अगर नोट्रे डेम की ये प्राचीर गिर गई तो क्या होगा? इससे कहीं उन फायर फाइटर्स की जान तो खतरे में नहीं पड़ जाएगी जो इससे कुछ ही मीटर दूर मौजूद थे। इन्हीं में से एक है चीफ कॉर्पोरल मिरियम। आग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है, पूरी प्राचीर सुलग रही है। नोट्रे डेम डी पेरी के लिए ये एक नव निर्माण का संकेत है। इसका कमाल का इतिहास 13वीं सदी में शुरू हुआ, जब कैथीड्रल पर पहली प्राचीर बनाई गई। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान नोट्रे डेम को गंभीर नुकसान हुआ। प्राचीर कमजोर हो गई और बाद में ये गिर गई। लेकिन फ्रांस के लेखक विक्टर ह्यूगो की वजह से ये इमारत बच गई। 1831 में उनका सबसे प्रसिद्ध नॉवल द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम छपा और इस तरह से कैथीड्रल फ्रांस के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना बैठा। मशहूर आर्किटेक्ट वियोले लड्यूक ने 20 साल तक इसका रेस्टोरेशन किया। उन्हीं के सामने इस इमारत के बदनाम गार्गॉयल्स बने थे। लेकिन आज ये मशहूर और ऊंची प्राचीर गंभीर खतरे में है। जोखिम और अपनी थकावट के बावजूद मिरियम और उनकी टीम हिम्मत नहीं हारती है। ये बड़ी मेहनत से लपटों को फैलने से रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब प्राचीर के लपटों में घिर जाने से एक और भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अगर प्राचीर ढहने लगती तो सब कुछ ढह जाता, इसलिए हमें ऊपर मौजूद अपनी टीम और अपने कैप्टन की चिंता होने लगी। और आग लगने के सिर्फ 1.5 घंटे बाद ही कुछ ऐसा हो जाता है जो सोचा भी नहीं जा सकता था। ये पूरी तरह से जल चुकी है, ये गिरने वाली है। और फिर मैंने सुनी बहुत सारे लोगों की एक एकजुट आवाज, वाह। लेकिन मिरियम अब भी ट्रांसेप्ट की छत पर हैं और उनके साथ हैं कैप्टन मार्क। तभी हमें सुनाई दी एक जोरदार आवाज। मैं आवाज की दिशा में देखने लगा और मैंने ये देखा कि नोट्रे डेम का ऊपरी हिस्सा ढहने लगा था। वो प्राचीर कैथेड्रल में जा गिरी। जब ये प्राचीर गिरी तो हम समझ गए कि अब और नई मुसीबतें खड़ी होंगी। जनरल की सबसे बड़ी आशंका सच साबित हो गई। उनके स्टाफ के लोग खतरे में हैं। अंदर वालों को तो खतरा है ही, लेकिन छत पर मौजूद मिरियम, मार्क और 3 अन्य लोगों के लिए जोखिम ज्यादा है। और फिर ऐसा लगा कि मुझे उतरना होगा और खुद को बचाना होगा, और इसके लिए हमें कुछ मीटर पीछे हटकर स्टोन टावर में जाना होगा। ट्रांसेप्ट के उत्तरी हिस्से में ऊपर मौजूद 5 फायर फाइटर्स को रेडियो के जरिए वहां से निकलने का ऑर्डर मिलता है और ये लोग ट्रांसेप्ट की अंदर वाली सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। लेकिन ये रास्ते में फंस जाते हैं क्योंकि एक दरवाजा खुल नहीं रहा है। बाहर निकलते वक्त हमें पता चला कि एक दरवाजा खुल नहीं रहा था और हम सब उसके अंदर पूरी तरह फंस गए थे।
प्राचीर के गिरने के बाद कई मिनट बीत चुके हैं। बाहर फायर फाइटर्स अपने साथियों के साथ हो सकने वाली किसी अनहोनी से परेशान हैं। जनरल उन्हें निकलने का हुक्म देते हैं, लेकिन ट्रांसेप्ट के उत्तरी हिस्से में मौजूद 5 फायर फाइटर्स अभी तक लौटे नहीं हैं। उस वक्त हमें बहुत बुरा एहसास हो रहा था, डर लग रहा था, तभी मुझे ऑर्डर मिला कि उन्हें निकालो। चीफ वारंट ऑफिसर जेरोम फौरन इन लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये ट्रांसेप्ट की अंदर वाली सीढ़ियों पर चढ़कर किसी तरह दरवाजा खोल देते हैं और खुशकिस्मती से उनके साथ ही सुरक्षित निकल आते हैं। जब प्राचीर ढही तो उससे हवा का एक जबरदस्त झोंका पैदा हुआ जिसने कैथेड्रल के सभी टावरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। प्राचीर हम पर गिर जाती तो हम आपसे बात नहीं कर रहे होते। सोचता हूँ तो लगता है बहुत लकी थे हम। सूरज ढल रहा है और लोग लाचार हैं। समय गुजरता जाता है और होनी टलती नहीं। पेरिस के लोग खौफ के साए में ये सब देखते रहते हैं। उन्हें लगता था कि नोट्र डैम को कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब ये राख में बदल चुका है। मुझे याद है मैंने जिन लोगों को देखा वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो एकदम खामोश थे। कुछ पलों के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम लोग कुछ खो रहे थे, हम नोट्र डैम खो रहे थे। आग अब तक छत के 2800 वर्ग मीटर हिस्से को निगल चुकी है। जनरल गॉन्टिए को एक नई रणनीति अपनानी होगी, लेकिन बिना फायर फाइटर्स की जान को खतरे में डाले वो भला इस आग से कैसे लड़ते रह सकते हैं। जहां देखो वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। ऑपरेशंस के हेड के लिए वक्त तेजी से बीत रहा है क्योंकि हवा के कारण लपटें और फैल रही हैं। इस मुश्किल वक्त में फायर फाइटर्स एक बेहद उन्नत हथियार की मदद लेते हैं। ये है कोलोसस। 2017 से ये 100% इलेक्ट्रिक रोबोट आग बुझाने के काम में जैसे एक क्रांति लाए हुए है। ये बहुत ही कमाल की मशीन है। इसमें लेटेस्ट सेंसर और कैमरा टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसमें 360 डिग्री पर घूमकर प्रति मिनट 3000 लीटर पानी फेंक सकने वाली एक फायर होज है। कोलोसस को इसी तरह के बड़े अग्निकांड में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था और नोट्र डैम को बचाने के संघर्ष में इसके बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन लग रहा है। छत और इसका फ्रेम तबाह हो जाते हैं, लेकिन कैथेड्रल के स्ट्रक्चर और इसकी दीवारों के बारे में क्या कहा जाए। फायर फाइटर्स को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं ये पूरी इमारत ही ना ढह जाए। प्राचीर के ढह जाने से कैथेड्रल के भव्य वॉल्ट में कई जगह सुराख हो गए हैं और ये पूरी इमारत वजन के नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। इमारत की साइड में मौजूद फ्लाइंग बट्रेसेस को काउंटर बैलेंस किया गया है वॉल्ट के वजन के जरिए, लेकिन अब ये अंदरूनी दीवारों पर वजन डाल रही हैं, जिससे पूरा ढांचा ही कमजोर हो रहा है। वॉल्ट के ढहने के बाद फ्लाइंग बट्रेसेस दीवार पर दबाव डालने लगती हैं। फ्लाइंग बट्रेसेस का वजन कंपनसेट करने के लिए वॉल्ट से कोई काउंटर प्रेशर पैदा नहीं होता। अंदरूनी हिस्से की कमजोरी से आर्क अंदर की तरफ धंसने लगेगी और हमें इस बात पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो पूरा कैथेड्रल ही अंदर की तरफ गिरने लगे। इसके अलावा एक चीज और भी ढह सकती है। ट्रांसेप्ट के उत्तरी हिस्से के सबसे ऊपर वाले कोने में गेबल कहलाने वाला एक छोटा सा त्रिभुज है। गेबल आखिरी पैनल था जो अब जलकर राख हो चुका है और गर्मी की वजह से ये गेबल अब बहुत कमजोर हो गया है।
सभी फायर फाइटर्स को एक डरावना मंजर दिखता है। केबल हवा की वजह से हिल रहा है और वो पास की सड़क पर गिर सकता है। पुलिस की मदद से ये लोग आसपास की सभी इमारतों को खाली करा लेते हैं, लेकिन नोट्रे डेम और कब तक यूं ही खड़ा रह पाएगा? समय रात के 9:36। जनरल गॉन्टिए को अपनी कमांडिंग पोस्ट से एक और डरावना मंजर दिखता है। नॉर्थ टावर के चारों ओर बेलफ्री से लपटे और घना धुआं उठता नजर आ रहा है। हवा के तेज झोंके आग को इसकी तरफ धकेल रहे हैं। टावर के अंदर 8 घंटियां लकड़ी के एक विशाल फ्रेम से लटकी हुई हैं। अगर ये स्ट्रक्चर जल गया तो घंटियां गिर पड़ेंगी। फायर फाइटर्स को डर है कि ऐसे में कैथेड्रल पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। हमें पता था कि हम छत कमा चुके हैं, तो अब हमें उसके बाद बस टावर्स को ही बचाना था। अचानक ऐसा लगने लगा कि अब हम इस चर्च को खो देंगे। ये गंभीर पल था। ये लोग इस आग के फैलाव को कैसे रोक सकते हैं? ये तय करने के लिए जनरल गॉन्टिए के पास कुछ ही पल हैं। जनरल अब एक सोच विचार में है। अपने साथियों को बचाकर हार स्वीकार कर लें या बेलफ्री में एक नई टीम भेजें जिसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। वहां मौजूद 600 फायर फाइटर्स उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जनरल आग वाली जगह की ड्रोन से ली गई तस्वीरों को स्टडी करते हैं। उनका डर सही साबित होता है। टावर वाकई खतरे में है और उसके बाद पूरे कैथेड्रल के लिए ही जोखिम पैदा हो जाएगा। वक्त हाथ से निकल रहा है। कभी कभी आप ये जान नहीं पाते कि क्या आपका फैसला सही है या नहीं, पर आप अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं। क्या हमें अपने साथियों को ऐसे मिशन पर भेज कर उनकी जान खतरे में डालनी चाहिए या नहीं? ये फैसला बहुत मुश्किल था और मैं इसकी वजह बताना चाहूंगा। पिछले साल हमारी ब्रिगेड के 4 साथी हादसे की भेंट चढ़ गए थे और हम किसी बेकार की लड़ाई में अपने लोगों को भेजकर उन्हें खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहते थे। 3 महीने पहले 12 जनवरी 2019 को सेंट्रल पेरिस के रू डे ट्रेविस में एक गैस लीक की वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ था। और इसमें फायर फाइटर्स को अपने 2 साथियों को गंवाना पड़ा। 15 अप्रैल के दिन इन लोगों के दिमाग में अब भी उस हादसे की यादें ताजा हैं। पंद्रह मिनट की बातचीत के बाद जनरल गॉन्टिएर आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला करते हैं। वो आग बुझाने की आखिरी कोशिश के तौर पर 20 फायर फाइटर्स की एक टीम भेज रहे हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कोई भी फायर फाइटर एक पल को भी जाने से झिझकता नहीं। ये लोग बैटल में जाने के लिए तैयार हैं। मैं बैटल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब ये हमारे लिए युद्ध ही है। ऐसा लगा हर कोई इस रात कुछ करना चाहता था। आग के नजदीक जाने का आइडिया जो था वो बहुत जोखिम भरा था, लेकिन तब भी लोग गए। अब वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। 20 बहादुर सैनिक एक ही मिशन लेकर कैथेड्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मिशन है आग के फैलाव को किसी भी तरह रोकना। पांच फायर फाइटर्स का पहला स्क्वाड इमारत में दाखिल होता है। ये लोग झटपट बेलफ्री तक जाने वाली 380 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। इनका मकसद है छत वाली आग और 2 टावर्स के बीच कुछ ऐसा करना कि आग न फैले। फायर फाइटर्स इसे कहते हैं कटिंग देयर लॉसेस।
लेफ्टिनेंट अलेक्सी स्क्वाड लीडर हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो लौटना पड़ेगा, लेकिन हमारा मकसद है मिशन को कामयाबी के साथ पूरा करना। उस रात हम ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम अपने पीछे सिर्फ राख का ढेर छोड़कर जाएंगे। हमें किसी भी तरह से कामयाब होना था। बेलफ्री को बचाने की जंग शुरू हो जाती है। बोट पंप पूरी क्षमता पर पानी पंप कर रहे हैं। फायर फाइटर्स भी अपनी पूरी इंसानी और टेक्निकल क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ये अपनी आखिरी कोशिश में जुटे हैं। इधर बेलफ्री में 20 फायर फाइटर्स इस मोर्चे पर जूझ रहे हैं, लेकिन देर हो चुकी है। आग पहले ही घंटियों को थामने वाले फ्रेम तक पहुंच चुकी है। अलेक्सी और उनके साथियों को घंटियों पर चढ़कर लपटों के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचने का आदेश मिलता है। उत्तरी बेलफ्री की पहली मंजिल से ये लोग खतरे का जायजा लेते हैं। एक सीढ़ी पहले ही जल चुकी है। आमने सामने की इस लड़ाई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें नजर आया कि लपटें जो हैं वो बीम्स को और फ्रेम को फूंक रही हैं, और आग अब भी इमारत के अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ रही है। उस वक्त फर्श के काफी बड़े हिस्से पर आग लगी हुई थी। मैंने चीफ को रेडियो पर बताया कि अगर हम आगे बढ़े तो शायद फर्श हमारा वजन संभाल ना पाए, इसलिए मैं और मेरे साथी बहुत ही धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। अगर टावर ढह जाता तो ऊपर मौजूद हमारे लोग नीचे नहीं आ पाते, तब हम उन्हें गवा देते। अब लगने लगा है कि बदतरीन हालात हकीकत में बदल जाएंगे। नीचे मौजूद भीड़ को कोई सूचना नहीं मिल रही थी, तो उसकी चिंता बढ़ने लगी, और अथॉरिटीज भी इन्हें भरोसा दिलाने की हालत में नहीं थी। उस एक घंटे के दौरान हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, हमें कुछ नहीं पता था, और ऑफिशियल्स की ओर से ये आशंका जताई गई थी कि चर्च का ढांचा, इतिहास की वो बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत ढह सकती है। खतरनाक लाल लपटों को देखकर वहां मौजूद लोग बेहद फिक्रमंद हैं। अगले कुछ मिनट के दौरान नोट्रडेम का वजूद ही दांव पर लग जाने वाला था। फायर फाइटर्स दोगुनी हिम्मत से जूझने लगते हैं। कैप्टन मार्क, चीफ कॉर्पोरल मिरियम, लेफ्टिनेंट अलेक्सी, चीफ वारंट ऑफिसर जेरोम और खुद जनरल गॉन्टिए भी आग बुझाने में जुटे हैं। धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। हर किसी को यह देखकर हैरानी होती है कि आग अपने कदम पीछे खींच रही है। अपनी हिम्मत, धीरज और उम्मीद के बल पर बेलफ्री फायर फाइटर्स का पलड़ा धीरे धीरे भारी हो रहा है। फिर रात के 10:27 पर खबर आती है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ लपटें अब भी जल रही हैं। आग को पूरी तरह बुझाने के लिए पूरी रात काम करना होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, नोट्रडेम डी पेरी अब भी खड़ा हुआ है। हमारी टीम ने उस रात जो कुछ किया, मुझे इस बात पर बड़ा ही नाज है। जब मैंने उसके अगले हिस्से पर नजर डाली तो मुझे यकीन हो गया कि नोट्रडेम ऑफ पेरिस अमर है।
भीड़ में से गुजर रहे थे तो उन्होंने तालियां बजाई, रास्ता दिया और शुक्रिया कहा। कुछ लोगों की नजरों में तो हम लोग हीरो की तरह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सिर्फ अपना काम किया। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मेरे साथी भी हीरो नहीं है, बस सबने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया। सात घंटे तक फायर फाइटर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंके रखी। वो पेरिस के नोट्रे डैम को बचाने के लिए तन मन से जुटे रहे। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली। दो फायर फाइटर्स और एक पुलिसमैन को हल्की चोटें आई। काम अब भी बाकी है। इस इलाके को सुरक्षित रखना है, इधर उधर लगी आग को बुझाना है। आधी रात हो चुकी है लेकिन नोट्रे डैम से धुआं अब भी उठ रहा है। अगली सुबह 7 बजे फायर फाइटर्स और एक्सपर्ट्स की एक टीम कैथेड्रल में दाखिल होती है। अब वक्त है नुकसान का जायजा लेने का और ये समझने का कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इन्हें जो कुछ दिखता है वो दहलाने वाला है। क्वायर में और जहां कभी ऑल्टर हुआ करता था वहां अब राख हो चुकी प्राचीर का मलबा पड़ा है। छत में 3 बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। बेलफ्री के अंदर फायर फाइटर्स को किसी वॉर जोन जैसा मंजर दिखता है। घंटियां सही सलामत हैं, लेकिन लपटों ने फ्रेम को जला दिया है। हैरत की बात है कि ग्रेट ऑगन अब भी सही सलामत है। लपटे नॉर्थ रोजेट के बहुत पास आ गई थी लेकिन वो भी बच गया, और जो गेबल गिरने वाला था वो भी अपनी जगह मौजूद है। नोट्रे डैम को आग से गंभीर नुकसान हुआ है लेकिन ये अब भी मौजूद है और जैसे सिटी ऑफ लाइट्स को देख रहा है। बेशक ये एक बड़ा हादसा है लेकिन टीम को अब भविष्य के बारे में सोचना होगा। साथ ही उसे ये पता लगाना होगा कि ये आग क्यों लगी, जलती सिगरेट के कारण या रेस्टोरेशन साइट पर किसी शॉर्ट सर्किट से। जांच पड़ताल से ही पता चलेगा कि इसकी वजह क्या थी। ऐसा दोबारा ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नोट्रे डैम को बेशक भारी नुकसान हुआ है लेकिन उम्मीद है कि अतीत की ही तरह ये इतिहास के इन जख्मों को भी फिर से भर लेगा।